हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई टेक्निकल क्लासेस पे। तो आज आप लोग लेकर आए हैं फिर से जमीन का कुछ जानकारी जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जितने भी अपडेट वीडियो रहेंगे वो आप लोग के पास पहुंच सकेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक बीघा में आपका कितना स्क्वायर फीट होता है, वन एकड़ में आपका कितना स्क्वायर फीट होता है, आपका वन हेक्टेयर में जो होता है आपका कितना स्क्वायर फीट होता है वो हम आज निकालने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं, उससे पहले हमको छोटे छोटे पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर, उसको हम बता देते हैं आपको। तो देखिए, आपका वन इंच में जो होता है आपका वो एक इंच में जो होता है आपका 2.4 सेंटीमीटर होता है, और एक फीट में जो होता है आपका 12 इंच होता है, और एक फीट में जो होता है आपका वो 30.48 सेंटीमीटर होता है, और एक यार्ड में जो होता है वह एक यार्ड में आपका 3 फीट होता है। कितना होता है? 3 फीट। यार्ड जो होता है गज होता है, ठीक है। यार्ड बोलिए या तो उसको गज बोलिए, ठीक है। गज हिंदी वर्ड है और यार्ड इंग्लिश वर्ड है। अब एक मीटर में जो होता है आपका वह 3.28 फीट होता है। कितना होता है? 3.28 फीट होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखे हैं वन यार्ड में जो होता है आपका एक यार्ड में आपका 36 इंच होता है। कितना होता है? 36 इंच होता है। और एक हाथ में जो होता है आपका कितना होता है? एक हाथ में आपका 18 इंच होता है। कितना होता है? 18 इंच। तो इसको हम लोग फीट में अगर कन्वर्ट करें तो आपका कितना हो जाएगा? 1.5 फीट हो जाएगा, ठीक है। और हम कल जो बताए थे आपको, कल का क्लास में वो आपको बताए हुए थे, कल कुछ छूट गया था उसमें। तो एक एकड़ में जो होता है वन एकड़ में जो होता है आपका वो होता है 4834 स्क्वायर यार्ड होता है, ठीक है। हम कल क्या किए थे कि यार्ड के जगह पे हम लोग फीट दे दिए थे, ठीक है। यार्ड के जगह पे हम क्या दिए थे? फीट दे दिए थे, ठीक है। तो आप लोग इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। कितना होता है एक एकड़ में आपका? वन एकड़ में आपका होता है 4834 स्क्वायर यार्ड होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, हम इसको डील करते हैं आपका एक बीघा में कितना स्क्वायर फीट होता है, तो वो निकालते हैं अभी। तो चलते हैं हम आपका वन बीघा में कितना स्क्वायर फीट होता है तो निकालते हैं। वन बीघा में जो होता है आपका, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44 यार्ड गुना 44 यार्ड, ठीक है। तो एक यार्ड में आपका कितना होता है? 3 फीट होता है। तो 3 फीट इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको यार्ड से हमको कितने कन्वर्ट करना है? स्क्वायर फीट में चाहिए, तो यहाँ पे यार्ड को क्या करना पड़ेगा? फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से फीट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 यार्ड में आपका कितना होता है? 3 फीट। तो देखिए, आपका 1 यार्ड में आपका कितना होता है? 3 फीट। तो एक यार्ड के जगह पर लोग 3 फीट रखेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 3 फीट गुना 44, फिर यार्ड के जगह पर लोग क्या रखेंगे? 3 फीट रख देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 44 × 3 × 44 × 3, तो हो जाएगा आपका 17,424 स्क्वायर फीट। तो कितना आपका एक बीघा में आपका निकल गया? 17,424 स्क्वायर फीट निकल गया आपका, ये एक बीघा का बात करोगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आपका एकड़ की बात करता हूँ। तो एकड़ में आपका आप लोग देखिएगा, इधर एकड़ इसी जगह निकाल देते हैं, 1 एकड़, ठीक है। ये लिखते हैं वन एकड़ बराबर जो होता है आपका 44 × 44 यार्ड × 110 यार्ड। तो यार्ड को फिर कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? फीट में। तो कितना हो जाएगा? 44 × 3 फीट गुना 44 × 110 × 3 फीट
तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 10 × 3। तो हो गया आपका, यहाँ पर आ गया आपका 44,560। देखिए आपका पहले भी बता दिए थे आपका एन एकड़ में आपका कितना होता है, 43,560 स्क्वायर फीट होता है आपका, यहाँ स्क्वायर फीट। देखिए आपका यूनिट लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आपका कितना आ गया यहाँ पर निकल के 43,560 स्क्वायर फीट आ गया। चलते हैं हेक्टेयर का निकालते हैं, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर तो हेक्टेयर का अगर आप लोग स्क्वायर फीट में निकालते हैं तो इसको दोनों का एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 100 मीटर × 100 मीटर। तो यहाँ पर तो मीटर में है तो आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर मीटर में है तो आपको फीट में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में जो आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं 1 मीटर में जो आता है 2.3.28 फीट होता है, कितना आता है 1 मीटर में 3.28 मीटर। तो 1 मीटर के लिए हम लोग इतना रख सकते हैं, तो रख दीजिए यहाँ पे 100 × 3.28 × 100 × 3.28 फीट। यहाँ पर भी फीट आपको देना पड़ेगा, तो इसको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए आपका कितना आंसर आता है। आंसर आ गया आपका 1,07,584 आ गया, कितना आ गया 1,07,584 स्क्वायर फीट। तो देखें आप लोग कैसे हम लोग तीनों का स्क्वायर आपका एरिया निकाल लिए, कितना एरिया होता है। तो देखिए आपका सबसे छोटा जो एरिया होता है आपका बीघा होता है, 1 बीघा आपका सबसे छोटा, जैसे सबसे यूनिट की भी बात करो तो बीघा आपका सबसे छोटा आता है। अगर यहाँ पर उससे जो बड़ा होता है आपका एकड़ होता है, और एकड़ से बड़ा जो होता है हेक्टेयर होता है, ठीक है। तो आज हम देख लिए कि आपका 1 बीघा में आपका कितना स्क्वायर फीट जमीन रहता है, ठीक है। और एकड़ भी बात कर लिए और हेक्टेयर की बात कर लिए। तो नेक्स्ट हम जो आने वाला है वीडियो, वो आपका आने वाला है ड्रॉइंग से रिलेटेड आने वाला है, बिल्डिंग ड्रॉइंग आने वाला है, उसमें हम आने वाला है आपका प्लान एलिवेशन सेक्शन, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, और जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उसको पढ़ना है गूगल क्लासरूम पर, तो उस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो लिख लीजिए आप लोग, आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, जो भी गूगल क्लासरूम पर आपका पढ़ना चाहते हैं आप लोग, जैसे कि आपका बिल्डिंग ड्राइंग हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये सब पढ़ने के लिए आप लोग वहां पर, हम ऑनलाइन अभी बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आप लोग इस पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, पहले व्हाट्सएप नंबर है जो जिसको जिसको भी पढ़ना है, तब वहां पर सबको एक ग्रुप में ज्वाइन करके तब वहां पर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं वहां पर बैच, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।